हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी पैटर्न पर मैथ। एनसीईआरटी पैटर्न पर दोस्तों मैथ का मैं डॉक्टर मनोहरे की बुक से टोटल सिलेबस आपको करवाऊंगा। डॉक्टर मनोहरे की बुक से आपको मैं क्लास 9 का टोटल सिलेबस दोस्तों मैं मैथ का करवाऊंगा। तो मैथ में आज हम स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति, जो कि आपका पहला चैप्टर है। क्लास 9 का आपका पहला चैप्टर क्या है? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1A को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कांसेप्ट आपको जानना जरूरी है, तो उसको मैं आपको बताता हूं, फिर दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1A संख्या पद्धति का। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट, ये आपकी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या है। अगर प्राकृतिक संख्या में ही दोस्तों हम जीरो को भी ऐड कर लें तो आपकी क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक दोस्तों आपका माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, जैसे है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट। और इधर जब आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, इधर आपका -1 हो जाएगा, -2, -3 एंड सो ऑन। यानी कि दोस्तों पूर्णांक में आपका 0 के दाहिने तरफ हम क्या कहेंगे? धन पूर्णांक। इसको हम क्या कहेंगे? धन पूर्णांक। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। और दोस्तों पूर्णांक में आपका टोटल प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं आती है। जैसे देखिए, अगर 1 से हम काउंट करें सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, तो क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। अगर 0 को भी हम ले लेते हैं तो आपकी क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। अगर हम माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं तो आपकी क्या हो जाती है? पूर्णांक। और पूर्णांक में 0 के राइट हैंड साइड के पोर्शन को हम धन पूर्णांक कहते हैं और 0 के लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक कहते हैं। अब आगे है आपका अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो या तो 1 से कटे, यानी 1 से डिवाइड हो, या खुद से डिवाइड हो, तो आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। यानी वे संख्याएं जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, तो आपकी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से भी डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो ही नहीं, और अन्य से भी डिवाइड हो, या कह लीजिए 2 से भी डिवाइड हो। जैसे कि आपका हो गया 4। 4 आपका किससे किससे डिवाइड होगा? 4 को आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। 2 से भी डिवाइड करेंगे, पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। और 4 से भी डिवाइड करेंगे तो आपका पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम लेते हैं 6 को, तो 6 भी आपका क्या होगा? भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि यह 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, आपका 2 से भी डिवाइड हो जाएगा पूर्णतः, और 3 से भी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, तो यह आपकी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। अब आगे है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे आपका हो गया 1/2, 3/4, इनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी कि जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सके वो आपकी परिमेय संख्या होगी। और परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में न लिख सके, पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सके। जैसे हो गया आपका √2, √3 एंड सो ऑन। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या आपका
अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं का सम योग आपका क्या होता है वास्तविक संख्या, यानी उसमें भाज्य संख्याएं भी होंगी अभाज्य संख्याएं भी होंगी तो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे धन पूर्णांकों के योग का कि कौन कौन से नियम है, धन पूर्णांकों के योग का कौन कौन से नियम है। तो पहला योग में आपका तीन नियम होते हैं, जैसे पहला है संवर्ग नियम, दूसरा है क्रम विनिमय नियम, तीसरा है क्या आपका साहचर्य नियम। यानी धन पूर्णांकों के योग के हम तीन प्रकार से ऐड करते हैं। पहला है संवर्ग नियम, तो संवर्ग नियम में क्या होता है दो धन पूर्णांकों का योग हमेशा आपका क्या होगा धन पूर्णांक होगा। फिर से बात सुनिएगा दोस्तों, दो धन पूर्णांकों का योग हमेशा आपका क्या होगा धन पूर्णांक होगा। जैसे चार प्लस तीन अगर करेंगे तो आपका सात धन पूर्णांक ही होगा, या कह लीजिए दो प्लस तीन बराबर पांच धन पूर्णांक ही होगा। दूसरा है क्या क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम में आपका क्या होता है अगर दो प्लस तीन बराबर अगर पांच है तो तीन प्लस दो भी आपका पांच ही होगा, यानी यह क्रम विनिमय नियम है। या कह लीजिए अगर दो तीन प्लस दो का रहा है तो पांच हो रहा है तो ये बराबर किसके हो गया दो प्लस तीन के, तो इसे हम क्या कहते हैं क्रम विनिमय नियम। दो प्लस तीन ये बराबर होगा किसके तीन प्लस दो के, दोनों का मान पांच ही होगा। आगे साहचर्य नियम, साहचर्य नियम में आपका क्या होता है दो प्लस तीन प्लस चार ये बराबर होगा दो प्लस तीन प्लस चार के, यानी इसका भी मान चार तीन सात दो नौ होगा और इसका भी मान आपका क्या होगा तीन दो पांच चार नौ होगा, इसे हम क्या कहते हैं साहचर्य नियम। अब आगे हम पढ़ेंगे धन पूर्णांकों का गुणा, धन पूर्णांकों का गुणा में पहला है संवर्ग नियम। संवर्ग नियम में धन पूर्णांकों के योग में आपका दो धन पूर्णांकों का गुणनफल आपका क्या होगा हमेशा धन पूर्णांक होगा। जैसे चार गुणे तीन आपका बारह ये धन पूर्णांक है। आगे है क्रम विनिमय नियम, धन पूर्णांकों का क्या है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम क्या होता है आपका तीन गुणे चार ये बराबर होगा चार गुणे तीन के, तो इसे हम क्या कहते हैं क्रम विनिमय नियम, यानी कि तीन गुणे चार भी आपका बारह ही होगा और तीन चार गुणे तीन भी आपका बारह ही होगा। अब आगे है आपका साहचर्य नियम, गुणा का साहचर्य नियम, तो गुणे के साहचर्य नियम में आपका क्या होता है अगर तीन गुणे पांच गुणे चार है तो ए बराबर होगा तीन गुणे पांच गुणे चार के, यानी साहचर्य नियम में आपका तीन गुणे ब्रेकेट में पांच गुणे चार ए वैल्यू बराबर किसके है तीन गुणे पांच गुणे चार के। सारे बताते हैं पांच चौक बीस तिहाई साठ ए भी है और ये आपका पांच तिहाई पंद्रह चौके साठ ए भी है, यानी साहचर्य नियम में आपका तीन गुणे ब्रेकेट में पांच गुणे चार ए बराबर साठ के है, तो तीन गुणे पांच गुणे चार भी आपका क्या होगा साठ होगा। अब आगे है वितरण नियम या बंटन नियम, वितरण नियम या बंटन नियम ये क्या होता है वितरण नियम में, जैसे दोस्तों आपका मान लीजिए है चार और ब्रेकेट में आपका है दो प्लस तीन तो ये बराबर किसके होगा चार गुणे दो प्लस चार गुणे तीन के, यानी चार दूना आठ और ये चार से बारह, बारह आठ क्या होगा बीस, ये भी आपका बीस है और ये भी तीन दो पांच चौके ये भी बीस है, यानी वितरण नियम में नाम से ही आपका पता चला है या बंटन नियम से हम क्या कर रहे हैं चार को एक बार दो के साथ ले रहे हैं प्लस फिर चार को हम किसके साथ ले रहे हैं ब्रेकेट में तीन के साथ, तो आपका क्या हो जा रहा है बीस, इसे क्या कहते हैं हम वितरण नियम, धन पूर्णांकों का क्या वितरण नियम। अब दोस्तों हम चलते हैं प्रश्नावली वन ए पर, प्रश्नावली वन ए को दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें दोस्तों जब भी वीडियो को आप स्टार्ट करें देखना तो कलम और कॉपी को लेकर बैठे दोस्तों, कलम और कॉपी को लेकर बैठेंगे तो जो भी हम दोस्तों आपको बता रहे हैं उसको आप नोट करेंगे, तो कभी भविष्य में आपको रिवाइज करना होगा तो आप लिखे रहेंगे तो रिवाइज करने में आसानी रहेगा। और प्रश्नावली की जो भी हम सॉल्व करवा रहे हैं एक एक क्वेश्चन को आप डेट वाइज
अपने कॉपी पर नोट कीजिए ताकि आपको रिवाइज करने में आगे सब दिक्कत ना हो। तो पहले प्रश्नावली चलते हैं, प्रश्नावली 1A पे। प्रश्नावली 1A में पहला क्वेश्चन आपका है 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। पहला क्वेश्चन है आपका 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक आपको लिखना है। तो 20 और 40 में समस्त धन पूर्णांक क्या क्या होंगे? 22 होगा, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38 होंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका 1 से 10 तक आपको अभाज्य धन पूर्णांक लिखना है। तो कौन कौन से होंगे? 2 हो जाएगा, 3, 5 और 7। ये सारे आपका 1 से 10 तक क्या है? अभाज्य धन पूर्णांक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका 2A प्लस 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। 2A प्लस 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक आपको बताना है। तो क्रमानुयायी पूर्णांक का मतलब होता है दोस्तों इसके आगे की संख्या, यानी 2A प्लस 1 के आगे संख्या क्या होगा आपका? 2A प्लस 2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर क्वेश्चन ऐसे कहता 2A प्लस 2 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए तो आपका हो जाता 2A प्लस 3। लेकिन यहां आपको पूछा है क्वेश्चन में 2A प्लस 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए, तो 2A प्लस 2 आपका हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन है आपका 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम आपका क्या हो जाएगा? -2/3। एक्चुअली दोस्तों जब योगात्मक प्रतिलोम आपसे पूछे तो हर एक क्वेश्चन में अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। क्यों? क्योंकि अगर इनका योग करें हम 2/3 माइनस 2/3 तो आंसर आपका क्या होगा? 0। यानी 0 ही आपका अगर आ जाए तो आपका योगात्मक प्रतिलोम होगा, यानी 2/3 का आपका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -2/3। अब पांचवा क्वेश्चन है आपका -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है हमको। तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम आपका क्या होगा? -1/5। यानी कि अगर -5 × -1/5 करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1। माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा। यानी जब कहे आपका गुणात्मक प्रतिलोम तो आपका इनका गुणा करने के बाद क्या आना चाहिए? 1। यानी -5 का गुणात्मक प्रतिलोम आपका क्या हो जाएगा? -1/5। अब लेते हैं छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में क्या कहा है आपका? P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। P+Q और P-Q का आपको क्या लिखना है? योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम हमने क्या बताया है? माइनस लगा दिए, -P+Q ये हो जाएगा इसका, और इसका क्या हो जाएगा आपका? P-Q ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस। यानी P+Q का आपका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? माइनस ब्रैकेट में P+Q, और P-Q का आपका क्या हो गया? माइनस ब्रैकेट में P-Q। अब सातवां क्वेश्चन है आपका, काय x के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 बराबर है आपका 5 × 3 × x के? तो यह किसके होगा? 2 के। कैसे? हम आपको बताए हैं साचर नियम से। तो 5 × 3 × 2 यह बराबर होता है 5 × 3 × 2 के। वही हमसे पूछा है x का, या ऐसे भी लगा सकते हैं आप। अगर हम इस पद को नीचे ले आए तो आपका 5 × 3 ×2 क्या हो जाएगा? आपका 5 × 3 बराबर किसके? x के। तो 5 × 3 ×2 है आपका, ब्रैकेट को गुणा करें तो वही वैल्यू आएगा 5 × 3 ×2। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या? x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 2। अब लेते हैं आठवां क्वेश्चन कहा है, आठवां क्वेश्चन है आपका, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है? पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है? तो वह शून्य होती है। अगर शून्य में ही हम
शून्य को ऐड करें तो क्या होगा, शून्य या शून्य में ही अगर माइनस शून्य ऐड करें तो क्या होगा आपका शून्य, यानी स्वयं की योज्य प्रतिलोम कौन सी होगी शून्य। अब नवा क्वेश्चन लेते हैं, यदि ए एक सम यदि ए एक समधन पूर्णांक है तो बताइए ए माइनस ए एक और दूसरे व्यक्ति में ए प्लस एक सम है या विषम। कहा है आपका ए माइनस एक और दूसरे व्यक्ति में ए प्लस एक, पूछा है आपका ये सम है या विषम। यदि ए आपका समधन पूर्णांक हो तो ए की जगह आप क्या रख सकते हैं, समधन पूर्णांक कहा है तो दो रख सकते हैं, चार छ आठ ये सारे क्या है आपका समधन पूर्णांक। तो पूछा है ए माइनस एक और ए प्लस एक सम पूर्णांक होंगे या नहीं, तो चेक करते हैं। सबसे पहले दो अगर रखते हैं तो दो माइनस एक और यहां पर दो प्लस एक, तो आपका एक गुणे क्या हो जाएगा तीन बराबर तीन, यानी ये विषम हो गया। फिर से रखते हैं चार को रखते चेक करते हैं, चार माइनस एक और ये क्या हो जाएगा चार प्लस एक, यानी ये हो जाएगा तीन गुणे पांच, ये क्या हो गया पंद्रह, यानी ये क्या हो गया आपका विषम होगा, यानी a माइनस एक और a प्लस एक आपका क्या हो जाएगा विषम होगा। अब लेते हैं दसवां क्वेश्चन, अब लेते हैं दसवां नंबर क्वेश्चन। दसवां क्वेश्चन में आपका क्या कहा है संख्या रेखा पर पांच और सात का योग लिखिए। संख्या रेखा पर आपको क्या लिखना है पांच और सात का योग, या मान लीजिए अगर जीरो है तो प्लस में किधर जाता है धनात्मक किधर लिखते हैं आप राइट हैंड साइड में, तो एक दो तीन चार पांच छह सात, तो पांच और सात का योग संख्या रेखा पर हमको लिखना है, तो पांच आपका क्या होगा यहां और सात आपका कहां पर होगा यहां, तो पांच प्लस सात बराबर आपका क्या हो जाएगा बारह। तो संख्या रेखा पर हमने दर्शा दिया पांच और सात को योग, तो सात पांच बारह हो गया। अब लेते हैं ग्यारहवां, ग्यारह नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है अथवा कौन से असत्य है। तो ग्यारह का ए है आपका, कहा है दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है, चेक करते हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या क्या है, दो तीन पांच सात डाट, कहा इनका गुणनफल सदैव क्या होता है अभाज्य होता है, तो दो और तीन का गुणनफल आपका क्या होगा छह, तो क्या यह अभाज्य है नहीं, तो पहला आपका गलत हो गया। और बी अब लेते हैं, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव क्या होता है अभाज्य होता है, देखते हैं दो प्लस तीन करते हैं तो आपका क्या होता है पांच, ये तो अभाज्य आ गया, लेकिन अगर यही तीन प्लस पांच करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा आठ, ये तो भाज्य संख्या है, यानी बी भी आपका गलत हो गया। तीसरा सी वाला है आपका, ग्यारह का सी है आपका, यदि ए और बी कोई दो ऋणात्मक पूर्णांक है तो ए प्लस बी सदैव क्या होंगे ऋणात्मक, यह सही है। जैसे मान लीजिए ए बराबर आप क्या कहा है ए और बी कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, ए बराबर आप मान लीजिए माइनस दो ले रहे हैं और बी बराबर आप क्या ले रहे हैं माइनस तीन, तो इनका योग हमेशा क्या होगा ऋणात्मक, माइनस दो को एड करेंगे माइनस तीन में तो आपका क्या हो जाएगा माइनस पांच, या कह लीजिए माइनस तीन को अगर हम ऐड कर रहे हैं माइनस चार से तो आपका क्या हो जाएगा माइनस तीन माइनस चार माइनस सात, यानी ये सही हो जाएगा। यानी सी ग्यारह का सी आपका, ए और बी कोई दो ऋणात्मक पूर्णांक है तो ए प्लस बी सदैव क्या होंगे ऋणात्मक पूर्णांक, यानी ये आपका ऑप्शन सही हो गया। अब बारह नंबर क्वेश्चन कहा है, यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए ए ए प्लस एक ए ए प्लस एक ए प्लस दो ए प्लस तीन, यह क्या 24 से पूर्णतः डिवाइड है, यानी ए बराबर आप धन पूर्णांक दो चार छ आठ रख रहे हैं तो क्या यह पूर्णतः 24 से डिवाइड है। सबसे पहले दो रख के चेक करते हैं, तो दो गुणे तीन गुणे चार गुणे दो प्लस तीन पांच,
क्या यह 24 से पूर्णतः डिवाइड है, चेक करेंगे, 5 चौके 20 क्या 60, 6 दुना 12 120, तो 120 क्या आपका 24 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा था, तो 5 बार जाएगा तो 120 पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि ए ए प्लस एक, एक प्लस दो, ए प्लस तीन, 24 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा यदि ए एक घन पूर्णांक हो, या इसे ऐसे कह लीजिए कि 24 का आपका गुणनखंड क्या होगा, दो तिहाई छह चौक 24, यानी इनमें अगर चार आ रहा है क्योंकि ये चार पद है, एक दो तीन चार पद है, क्या 24 से पूर्णतः डिवाइड जाएगा, जैसे हमने सबसे पहले दो दो लिया तो दो गुणे तीन गुणे चार गुणे पांच हुआ, तो आप आ गया कितना 120, 24 से डिवाइड करके चेक किए थे आ गया आपका जीरो, यानी पूर्णतः पांच बार में यह डिवाइड हो जा रहा है, यानी यह आपका बारहवां विभाजित होगा। अब लेते हैं तेरहवां क्वेश्चन, तेरह नंबर क्वेश्चन का फिर कहा है कि यदि ए एक सम धन पूर्णांक है तो और बी एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी सम होगी, बारह नंबर है आपका, ए आपका क्या है सम और बी आपका क्या है विषम, तो आपसे आपको बताना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी ए गुड़े बी ए ब्रेकेट में ए माइनस एक बी ब्रेकेट में बी प्लस ए क्या यह सम होंगी, तो सम में आपका क्या होता है दो चार छ आठ नौ, और विषम में आपका क्या होता है तीन पांच सात ग्यारह अंडा, तो अब चेक करेंगे क्या ए स्क्वायर आपका सम है, यानी ए की जगह आप क्या रख सकते हैं, दो रखें या चार या छह या आठ, हम दो रखते हैं तो दो का स्क्वायर क्या होगा चार, यानी ए स्क्वायर आपका क्या है सम है, अब देखेंगे बी स्क्वायर क्या आपका सम है, तो यानी बी विषम रख सकते हैं, तो सबसे पहले रखते हैं तीन, तो तीन का स्क्वायर क्या होगा आपका नौ, फिर रखते हैं पांच, पांच का स्क्वायर क्या होगा आपका पच्चीस, यानी यह आपका गलत हो गया, यह सम नहीं हो सकता है, फिर ए प्लस बी, तो ए की जगह हम अगर दो रखें और बी की जगह विषम तीन रखें तो क्या हो गया ये पांच, यानी ए प्लस बी आपका क्या होगा विषम, फिर एक बार चेक करते हैं, ए की जगह अगर आप चार रखें बी की जगह क्या रखें पांच, क्या हो गया नौ, यानी ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपका सम नहीं हो सकता है। अब रखेंगे ए गुणे बी, यानी ए की जगह आप क्या रख सकते हैं दो रखें, अगर बी की जगह तीन रखें तो तीन दूना छह, यानी यह आपका सम हो सकता है। और आगे है आपका ए ए माइनस एक, तो अगर ए की जगह हम रखें चार मान लीजिए रखते हैं और यहां चार माइनस एक, तो आपका क्या हो जाएगा चार गुणे तीन यानी बारह, यानी ए ए माइनस एक आपका क्या हो जाएगा सम। अब लास्ट वाला है आपका बी बी प्लस एक, क्या है सम होगा चेक करते हैं, तो विषम रखते हैं तीन, तीन प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा तीन गुणे चार, यानी यह अभी आपका क्या होगा सम। तो सम संख्या कौन कौन सी हो गई, सम कौन कौन सा हो गया, पहला हो गया ए स्क्वायर, और क्या है आपका ए गुणे बी, और क्या है आपका ए ए माइनस एक, और अगला का है आपका बी बी प्लस एक, बी बी प्लस एक, यानी सम संख्या कौन कौन सी हो गई ए स्क्वायर ए गुणे बी और ए ए माइनस एक और बी बी प्लस एक, ये सारी सम संख्याएं होंगी। अब तेरह नंबर क्वेश्चन, चौदह नंबर क्वेश्चन आपका है, कहा है धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है, तो पहला है आपका तीन गुणे ब्रैकेट में आठ प्लस सात बराबर तीन गुणे आठ प्लस तीन गुणे सात, यह कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, योग पर गुणा का क्या है वितरण नियम,
क्योंकि दोस्तों योग पर बुरा का वितरण नियम देखिए, तीन गुणे ब्रेकेट में आठ प्लस सात बराबर हुआ किसके, तीन गुणे आठ प्लस तीन गुणे सात के। सात करके बताते हैं हम आपको, आठ और सात ऐड करेंगे कितना होगा, पंद्रह गुणे तीन, तो ये कितना हो जाएगा पैतालीस। और अगर आठ गुणे तीन करेंगे क्या होगा, आठ तिरिक चौबीस प्लस सात तिरिक इक्कीस को जो करेंगे ऐड, तो चौबीस और इक्कीस आपको क्या होगा पैतालीस। यानी गुणा का क्या है, वितरण नियम, यानी तीन से पहले गुणा किए आठ में प्लस तीन से गुणा किए किसने सात में, ये बराबर किसके होगा पैतालीस पैतालीस के। अब दूसरा है आपका तीन प्लस पांच प्लस नौ, और बराबर किसके है तीन प्लस पांच प्लस नौ के। यानी एक बार ब्रेकेट में तीन प्लस पांच प्लस नौ है, दूसरी बार ब्रेकेट में क्या है तीन प्लस पांच, लेकिन समान आपका वैल्यू है दोनों। तो नौ चार नौ पांच क्या है चौदह, और में अगर तीन जोड़ेंगे सत्रह, ये भी है ये भी, अगर पांच तीन आठ और प्लस नौ जोड़ेंगे तो ये भी आपका सत्रह है। तो यह कौन सा नियम पालन कर रहा है, योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम। आगे है आपका सी, सी में कहा है दो तीन गुणे दो बराबर दो गुणे तीन, यह क्या है आपका क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, क्योंकि दो गुणे तीन भी आपका छह होगा, और दो गुणे तीन गुणे दो भी आपका छह होगा, दो गुणे तीन भी आपका क्या होगा छह होगा। तो यह कौन सा नियम होता है क्रम विनिमय नियम। लास्ट यानी डी है आपका तीन गुणे पांच बराबर ए गुणे पांच, अगर ए बराबर क्या है तीन, तो ये कौन सा नियम फॉलो कर रहा है निसरण नियम, निसरण नियम। देखिए तीन पचे पंद्रह ए भी हो रहा है, बराबर किसके होगा अगर एक जगह तीन रखेंगे गुणे पांच, तो ये भी आपका क्या हो रहा है पंद्रह। यानी ये कौन सा नियम फॉलो कर रहा है निसरण नियम। अब पंद्रह क्वेश्चन आपने कहा है, पंद्रह क्वेश्चन कि संख्या रेखा पर माइनस पांच माइनस दो जीरो एक दो और पांच को दर्शाइए। तो संख्या रेखा पर दोस्तों जीरो आपका यहां पर होता है, और प्लस में हम किधर लिखते हैं राइट हैंड साइड में, यानी एक दो तीन चार पांच, और माइनस में किधर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, यानी माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पांच। हमको दर्शाना क्या है माइनस पांच, यानी माइनस पांच आपका क्या होगा यहां पर, अगर और माइनस का दो आपका क्या कहा होगा यहां पर होगा, और जीरो आपका क्या होगा यहां, और एक कहां होगा आपका यहां, और दो आपका कहां होगा यहां, और पांच आपका कहां होगा यहां। या कह लीजिए अगर हम माइनस पांच को ए माने, माइनस दो को क्या माने बी, जीरो को अगर सी माने, प्लस एक को हम क्या माने डी, प्लस दो को माने हम ई, प्लस पांच को माने यफ, तो आपका संख्या रेखा पर ऐसे दर्शाया जाएगा, यानी माइनस पांच आपका यहां हो गया, माइनस दो यहां और जीरो यहां, एक यहां दो यहां और पांच यहां। तो ये था दोस्तों प्रश्नावली वन ए। तो प्रश्नावली वन ए में दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको सॉर्ट आउट करने का मैक्सिमम प्रयास करेंगे, कल हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।